हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड डॉग लवर्स में। आप में से बहुत से लोग अपनी लाइफ का पहला पपी या डॉग लेने की सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में हैं कि आप कौन सी ब्रीड को सेलेक्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। दोस्तों, डॉग ब्रीड्स हर साइज में अवेलेबल होती है और काफ़ी डॉग ब्रीड्स मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं। आप किसी भी ब्रीड का सिलेक्शन अपने माहौल, अपने एटमॉस्फेयर को ध्यान में रखते हुए कीजिए, जिससे कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप बड़ी ब्रीड्स में सिलेक्शन करना चाहते हैं तो जर्मन शेफर्ड, रॉटवाइलर, गोल्डन रिट्रीवर, लेब्राडोर रिट्रीवर और भी बहुत सी ब्रीड्स होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका डॉग सेफ्टी, सिक्योरिटी, गार्डिंग के पर्पस से अच्छा डॉग हो, तो आप जर्मन शेफर्ड और रॉटवाइलर ब्रीड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों ही ब्रीड्स काफ़ी सेंसिटिव होती हैं और काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं गार्डिंग और सेफ्टी के पर्पस से। लेब्राडोर रिट्रीवर और गोल्डन रिट्रीवर ये काफ़ी प्लेफुल डॉग्स हैं, नॉर्मल नेचर के डॉग होते हैं और आप इन्हें इजीली हैंडल कर सकते हैं। स्मॉल ब्रीड्स में बीगल, पग, सिट्ज़ू, लासेप्सो, पोमेरियन और भी काफ़ी ब्रीड्स होती हैं। इन ब्रीड्स को आप इंडोर पर्पस से भी यूज़ कर सकते हैं, इंडोर पर्पस के लिए भी इनको ले सकते हैं। ये ब्रीड्स काफ़ी एक्टिव और प्लेफुल होती हैं। दोस्तों, आप किसी भी ब्रीड का सिलेक्शन अपने माहौल को ध्यान में रखते हुए कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके पास रनिंग स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बड़ी ब्रीड्स को इजीली ले सकते हैं। रनिंग स्पेस होना इन ब्रीड्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इनकी एक्सरसाइज के लिए हेल्पफुल होती है रनिंग स्पेस। दोस्तों, अगर आप स्मॉल ब्रीड्स लेते हैं तो उन्हें रनिंग स्पेस की इतनी खासी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने एक छोटे से पार्टिकुलर एरिए में भी अपनी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो आप जब भी कोई ब्रीड लें या लेने की सोचें तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आप जिस किसी भी ब्रीड को लें उसको लेके फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और ना डॉग को आपसे कोई प्रॉब्लम हो। किसी भी ब्रीड को आप लें, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करें, क्योंकि उन्हें आपके प्यार की बहुत ज़रूरत होती है। ट्रेनिंग से रिलेटेड किसी भी सवाल के लिए आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आप मुझे बताइए कि आपको अपनी ब्रीड को किस तरीके से ट्रेन करना है, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको उसका, जहाँ तक मेरे से पॉसिबल हो पाएगा, आपको उसमें सुझाव दूंगा। उत्तराखंड डॉग लवर्स पेट शॉप है हल्द्वानी में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को